जैसे कि प्रधानमंत्री सौर गठबंधन पर काम शुरू कर चुके हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अवसर है। दुनिया भर में बहुत सारे नेताओं से बात करने के बाद मुझे लगा कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री भारत और पूरी दुनिया में मिट्टी बचाने के इस काम का नेतृत्व कर सकते हैं। मार्च में उनकी संस्था ने सेव सोइल अभियान की शुरुआत की थी। 27 देशों से होते हुए उनकी यात्रा और 75वें दिन यहाँ पहुँची है। आज जब देश अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, इस अमृतकाल में नए संकल्प ले रहा है, तो इस तरह के जन अभियान बहुत अहम हो जाते हैं। भारत की परंपरा रही है कि जो यात्रा करके आता है उसको छूते हैं तो आधा पुण्य आपको मिल जाता है। साथियों, आप सभी मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपको सिद्धि मिले, सद्गुरु जी ने जो लंबी ये यानी मेहनत वाली यात्रा है बाइक पे, वैसे उनका बचपन से शौक रहा है ये, लेकिन फिर भी काम बड़ा कठिन होता है। सद्गुरु जी ने यात्रा की, अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि दुनिया को मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।